हाउस ऑफ एनी कोर्ट ने अशोक गहलोत की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है कि इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है हाउस ऑफ एनी कोर्ट। अब इसी मामले को लेकर के 19 सितंबर को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। गजेंद्र सिंह शेखावत मानहानि का मामला है ये, जिसमें सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ जो दायर याचिका थी उसी को लेकर के ये अपडेट मिल रही है कि अब ये फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अवैध उस्मानी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अवैध, और क्या ज्यादा जानकारी है इस मामले को लेकर के? गहलोत के खिलाफ संजीवनी मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह के गंभीर आरोप जो है भ्रष्टाचार में शामिल होने के लगाए गए थे। इस मामले को लेकर अशोक गहलोत को कोर्ट ने समन जारी किया था और इस मामले में मानहानि के मामले में अशोक गहलोत जो है मुकदमे का सामना कर रहे थे। अशोक गहलोत की तरफ से एक अर्जी राउस अपनी कोर्ट में दाखिल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो, क्योंकि जब भी कोई मानहानि का मामला होता है, कोई शिकायतकर्ता अगर कोई मानहानि का मामला दायर करता है तो शिकायतकर्ता को भी आरोपी के साथ कोर्ट में पेश होना होता है, लेकिन 2-3 सुनवाई के दौरान जो है गजेंद्र सिंह शेखावत कोर्ट में पेश नहीं हुए, सिर्फ अशोक गहलोत जो है वो मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश होते रहे। ऐसे में इनको, अशोक गहलोत को जो है इस मामले में आरोप मुक्त किया जाना चाहिए। फिलहाल राउस अर्बन कोर्ट के स्पेशल सीबीआई जज ने इस मामले में अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है और 19 तारीख को 2:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाएगा। अब देखना होगा कि क्या गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से जो मानहानि का मामला दायर किया गया है अशोक गहलोत के खिलाफ, उसमें अशोक गहलोत जो है आरोप मुक्त होते हैं या अशोक गहलोत को मुकदमे का सामना करना होगा। फिलहाल अगर बात की जाए तो इस मामले में कोर्ट ने समन जारी किया था, अशोक गहलोत जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे और अशोक गहलोत की तरफ से ही बीते सुनवाई के दौरान आपत्ति जताई गई थी और ये कहा गया था कि शिकायतकर्ता गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वो मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, जबकि जो मानहानि का मामला है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को भी, यानी शिकायतकर्ता को भी पेश होना चाहिए। और उसके बाद फिर गजेंद्र सिंह शेखावत जो है बीती 2 हियरिंग से कोर्ट में पेश हो रहे थे, लेकिन इसी को आधार बनाते हुए अशोक गहलोत की तरफ से एक अर्जी दाखिल की गई और ये कहा गया कि शिकायतकर्ता जो है वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ, इसलिए जो आरोपी हैं इस मामले में अशोक गहलोत, उनको आरोप मुक्त किया गया। देखना होगा कि जब इस मामले में राउस अर्बन कोर्ट 19 तारीख को अपना फैसला सुनाती है तो क्या फैसला जो है राउस अर्बन कोर्ट की तरफ से इस मामले में सुनाया जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वैसे